Hey guys, welcome back again. नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है कार्तिक त्यागी और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल डेली डोज रिएक्शन। तो गाइस आज हम रिएक्ट करने वाले हैं गाइस पोन्नियिन सेल्वन गाइस जो मूवी है पी एस बन मूवी जो आई थिंक 30 सितंबर को गाइस रिलीज होगी। उसका गाइस एक लिरिक्स वीडियो सॉन्ग जो है आया है जो हिंदी लैंग्वेज में हम सुनने वाले हैं, जिसका नाम है गाइस कावेरी से मिलने। ये सॉन्ग का जो है नाम है गाइस, लिरिक्स वीडियो सॉन्ग है पी एस बन हिंदी। और मनी रत्नम सर जो है गाइस इस मूवी के जो है डायरेक्टर हैं, और साथ ही साथ ए आर रहमान जो है गाइस इस सॉन्ग के सिंगर हैं। ए आर रहमान के अलावा गाइस स्वागत राठौड़ एंड पूजा तिवारी भी गाइस सॉन्ग के सिंगर हैं। लिरिक्स हैं गाइस महबूब की। तो सॉन्ग सुनते हैं गाइस, उसके बाद हम देखते हैं बात करेंगे कि ये गाइस मूवी जो है, मैं बताऊंगा इसके बारे में कि कितनी ज़्यादा बजट की मूवी है, काफ़ी हाई बजट की मूवी है। तो गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं, सॉन्ग सुनते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे। चैनल पर नए तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करना। करते हैं वीडियो स्टार्ट, लेट्स प्ले। धरती के माथे की रेखा दिख, तू इठलाती बलखाती ऐसे चले, तू वीरों के डेरे हैं तेरे किनारे, घोड़ों की प्यासों को हैं तेरे धारे। PS1 काफी एक्टर्स हैं इस मूवी में यार, आई थिंक ऐश्वर्या राय भी हैं। AR रहमान म्यूजिकल कावेरी से मिलने चलते ही जाना है, शोक चंचल चलते ही जाना है, सुरमय शाम होगी मौसम सुहाना है। लिरिक्स प्यारी है यार, लिरिक्स तो चल चलते ही जाना है, खेतों के पार ऊंचे अबशार चलते ही जाना है, चलते ही जाना है। इन एक्टर्स की मैंने वैसे काफ़ी कम मूवी देखी है, ज़्यादा नहीं देखी, लेकिन ये हो सकता है काफ़ी ज़्यादा हिट जाए। ताली लल्ला लाली लल्ला। जैसे तीर के एक तरह से मोटिवेशनल भी सॉन्ग है, सुरमई शाम होगी उसका आंचल, और नाज़नी तेरे संग ही तेरी चाह में तेरे रंग ही। म्यूजिक का लिरिक्स जो है काफी प्यारी है। ए आर रहमान सिंगर, महबूब लिरिक्स। हर बार नई लाइन आ रही है, हर बार नई लाइन, कोई लाइन इस तरह रिपीट नहीं हो रही। दिलकशी मिलेंगे हम तुझसे तो फिर कभी, दिलकशी अभी तो मुझे जाना है और कहीं। म्यूजिक में बहुत अच्छा है सॉन्ग यार, काफी अच्छा है। शोक चंचल और वीडियो में जब आएगा ना ये तो काफी कमाल होगा। उस
का आंचल और नाजनी तेरे संग ही तेरी चाह में तेरे रंग ही क्या प्यारे नजारे PS1 पोलियन पोनियन सेल्वन भाग वन फर्स्ट। तो गाइज काफिर से मिलने जो है गाइज ये लिरिक्स वीडियो सॉन्ग है ये हो गया एंड यार PS1 मूवी जो है गाइज काफी हाई बजट की मूवी है और गाइज इसमें जो लिरिक लाइन थी ना गाइज काफिर से मिलने चलते ही जाना है शोक चंचल चलते ही जाना है चलते ही जाना है गाइज सॉन्ग में लाइनें जो है लिरिक्स जो है काफी प्यारी है सॉन्ग की और सिंगर भी काफी कमाल है AR रहमान है तो वैसे आवाज उनकी प्यारी होगी और भी जो है सिंगर इसमें। लेकिन गाइज अगर मैं बात करूँ यार इस मूवी की जो है PS1 जो मूवी है पोनियन सेल्वन जो गाइज ये मूवी है ये जो है 30 सितंबर को गाइज रिलीज होगी जो कि गाइज काफी हाई बजट वाली मूवी है। हाई बजट की मतलब मैं इसमें देख रहा था कि ये मूवी है 500 करोड़ से भी ज़्यादा बजट की ये मूवी है। तो बात करो इस मूवी में एक्टर्स की तो यार एक्टर्स काफ़ी ज़्यादा इस मूवी में जिसमें खास तौर से जो है विक्रम सर हैं और विक्रम सर के अलावा ऐश्वर्या राय बच्चन भी हैं तो काफ़ी मतलब मूवी को देखेंगे जब ये मूवी रिलीज होगी। वैसे इसका सॉन्ग तो अभी जो है फर्स्ट सॉन्ग आया थी फर्स्ट सॉन्ग था जो लिरिक्स वीडियो सॉन्ग था जो काफ़ी अच्छा लगा और भी लैंग्वेज में है गाइज ये और तमिल यार तमिल हो साउथ इंडियन मूवी में जितनी भी मूवीज आ रही हैं यार सभी कमाल मचा रही हैं और बॉलीवुड का मैं सोचता हूँ कि बॉलीवुड क्या कर रहा है पता नहीं क्या कर रहा है कि बॉलीवुड में इस तरह की मूवी आती नहीं है जो है साउथ में साउथ जितनी मूवी है मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ साउथ की मूवीज़ को और जो भी कोई भी हो जो मलयालम हो मतलब कन्नड़ा लैंग्वेज में हो कन्नड़ा लैंग्वेज में हो या फिर हो तेलुगु लैंग्वेज में या फिर तमिल में हो कोई भी मतलब उसमें ज़्यादा हिंदी डबिंग में तो आती है मूवी तो यार उनका जो है ना एक अलग ही एक्शन सीन होता है अलग ही जो है एक स्टोरी काफ़ी अलग होती है। ऐसा नहीं कि बॉलीवुड में जिस तरह से रीमेक पे एक जो है रीमेक पे रीमेक लाते रहते हैं एक तरह एक ही स्टोरी को दूसरी दूसरा यही है। तो बॉलीवुड में कोई मूवी जो आएगी ना वो साउथ इंडिया से जो है मूवी उठ के फिर से आ जाएगी यहाँ पर और कहेंगे कि यार नई मूवी आ रही है तो यार ऐसा नहीं होता। साउथ इंडिया में साउथ इंडिया की जो मूवी होती है एक अलग ही जो है उसकी स्टोरी होती है ऐसा नहीं होता कि हमने ये मूवी ऑलरेडी देखी हुई है। सॉन्ग काफ़ी अच्छा था आपको कैसा लगा आप मुझे बताना और साथ ही साथ गाइस चैनल पर नए तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सपोर्ट करना और गाइस वीडियो जो है आपको पसंद आया तो गाइस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा और चैनल को भी सपोर्ट करें करता हूँ मैं इस वीडियो को एंड मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।